हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरीके की वीडियो लगातार मिलती रहे करंट अफेयर की, रीजनिंग की, मैथ की, ऑनलाइन टेस्ट की, तो आप नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी वीडियो का जो टॉपिक स्टडी चैनल पे अपलोड होती है, तो आप यहाँ पे टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो आपको पसंद आएगी, और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन को ट्राई भी करते रहिए कि आप कितने सही कर पाते हैं, और क्योंकि इससे एक IQ लेवल बढ़ जाता है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपके को दिखाया कि पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो आप वीडियो को रोकिए और ट्राई करिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो वो तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 4, 9, 20, 43, 90 इस तरीके से एक सीरीज लिखी हुई है। सीरीज देखने के पता चलता है कि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसका मतलब क्या है, या तो प्लस हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर का स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। तो अगर मैं इसमें देखूँ स्क्वायर और क्यूब तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगी, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो जैसे इस सीरीज में चल रहा है आपका 4 × 8 + 1, तो कितना हो जाएगा, 8 में + 1 करेंगे 9। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 9 × 18 + 2, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई 2 में की गई, +2 कर दिया गया। तो हमें क्या पता चला, 4 में 2 की गई और फिर +1 किया गया, 9 में 2 की मल्टीप्लाई की गई, फिर उसके बाद 2 प्लस कर दिया गया। अब की बार 3 प्लस होगा, तो 20 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और +3 करेंगे तो 43। 43 की हम किस में करेंगे, 3 तक हो चुका है, मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86, और प्लस करेंगे 4, तो 86 + 4 कितना हो जाएगा, 90। तो बस आपको नेक्स्ट ऐसे ही करना है, 90 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और +5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 180, 9 × 18 = 180, और +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 185, तो यहाँ पे आपका 185 आ जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। चलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और ट्राई करते रहिए साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे भी एक सीरीज दी गई है 7, 14, 42, 168, और नेक्स्ट आपको बताना है। तो क्या होगा नेक्स्ट वो देखिए एक बार जल्दी से। तो अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ तो सीरीज ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपका प्लस हो सकता है या फिर आपकी मल्टीप्लाई। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर थोड़ा तेज़ी से है, क्योंकि यहाँ पे ये 7 से 168 हो गया बहुत ही जल्दी, मतलब 3-4 स्टेप में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मैं देखा यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7 का, तो 7 × 2 = 14 होता है, ठीक है, तो 14 × 3 = 42 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे 4 की करेंगे तो 168 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 168 में 5 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करके देखिए आपका आई थिंक 840 हो जाएगा, ठीक है ना, 840 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके की जब भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे, या तो मल्टीप्लाई करके देखिए, प्लस देखिए, अगर स्क्वायर क्यूब होगा वो आपको सीधा सीधा नज़र आ जाएगा कि ये नंबर का किसी का स्क्वायर है या क्यूब है, ठीक है। 3-4 स्टेप में आपका क्वेश्चन हो जाता है, ये सीरीज वाले ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है। तो बस आप एक बार पैटर्न फाइंड आउट करना सीख गए ना कि क्या क्या चल सकता है, वो आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 में देखिए इसी तरीके से मैं अलग अलग टाइप के 4-5 क्वेश्चन लगातार लेके आया हूँ, ताकि आप थोड़ा ट्राई भी करें और जितना मैं समझाऊँ वो समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी डिफरेंस चेक करिए, क्योंकि डिक्रीज हो रही है सीरीज, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिवाइड चलता है या माइनस चलता है, ठीक है। तो जब डिक्रीज होता है तो डिवाइड तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि डिवाइड में सीरीज बहुत ही जल्दी से डिक्रीज हो जाती है। जैसे 325 लिखा था, यहाँ पे 0 या फिर बहुत ही 2-3 स्टेप में 0 हो सकता था, अगर मैं किसी भी दो छोटे से छोटे नंबर से भी डिवाइड करना स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो डिवाइड तो नहीं चल रहा है, माइनस ही चल रहा है। माइनस किस ऑर्डर में चल रहा है उसको हम चेक कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 66 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये 55 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कितना है, माइनस, मतलब 44 हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस 66 किया गया, यहाँ पे माइनस 55 किया गया, यहाँ पे माइनस 44, और इनके बीच का डिफरेंस निकाला तो 33 आया, तो माइनस 33 कर दिया, माइनस 22 कर दिया, और अब की बार आपको इसमें से माइनस 11 करना है, यानी कि 10-10 घटाते हुए माइनस करते हुए आ रहे हैं,
सीरीज में, ठीक है। तो 105 में से जब मैं 11 माइनस करूँगा तो कितना आ जाए आपका 94, तो यहाँ पे 94 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छी सीरीज थी वैसे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, 4 का राइट आंसर बताइए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो यहाँ पे ना सीरीज ना ही तो आपकी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज भी नहीं हो रही है, ठीक है ना। मतलब है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट कभी ज़्यादा इंक्रीज होती है थोड़े, कभी कम। देखिए डिफरेंस अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। यानी कि अब की बार मुझे क्या करना है, प्लस 4 करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो किस तरीके से इनकी जाए, एक बार 4 प्लस किया जाता है, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2। तो यहाँ पे 39 में जब मैं सॉरी ये आपका 4 प्लस है ना, ठीक है, तो ये आपका 2 प्लस होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें डिफरेंस 4 का था, यानी कि प्लस 4 किया गया, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, अब की बार प्लस 4 होगा, ठीक है ना। तो प्लस 4 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस 4 तो हो चुका, प्लस 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे 41 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस सीरीज को चेक कर लीजिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस हुआ, प्लस 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 2 कर दिया गया है, फिर यहाँ पे प्लस 4 कर दिया गया है, फिर प्लस 2 कर दिया गया है, फिर प्लस 4 कर दिया गया है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए मिसिंग एक नंबर है यहाँ पे 35, ठीक है ना। क्योंकि इसमें प्लस 2 होगा तो 35 आएगा, और उसके बाद प्लस 4 होगा 39 आ जाएगा, फिर प्लस 2 होगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था ये, मैं भी तो बोल रहा था कि क्वेश्चन में कुछ कमी लग रही है। यहाँ पे 41 आएगा, तो यहाँ पे 35 मिसप्रिंट है भाई, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर देने की कोशिश करिए आप कमेंट बॉक्स में, देखते कितने बच्चे यहाँ पे राइट आंसर कर पाते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसमें आपको दो नेक्स्ट सीरीज बतानी है, सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बताया कि आपको किस किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 9 लिखा है, तो डिफरेंस कितना है, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा 4 का। बट ये वाली सीरीज यहाँ पे डिफरेंस से नहीं बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे 5 दूनी 10 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से सीरीज ये चलेगी। तो 5 दूनी 10 माइनस 1, ठीक है, 9 दूनी 18 माइनस 2 16 हो गया, ठीक है, 16 दूनी 32 माइनस 3। तो यहाँ पे बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है जो ऊपर मैं एक सीरीज में अभी आपको बता के आया हूँ, मल्टीप्लाई 2 की माइनस 1, मल्टीप्लाई 2 की फिर माइनस 2, मल्टीप्लाई 2 की माइनस 3, तो मल्टीप्लाई 4 की माइनस 4, सॉरी मल्टीप्लाई 2 की माइनस 4 चलेगा। मतलब मल्टीप्लाई तो 2 की होगी बट जो नंबर माइनस होगा वो 1 2 3 4 इस तरीके से माइनस होता चला जाएगा। तो 54 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 की करेंगे और माइनस 5 करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 103 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 54 के बाद में 103 आ जाएगा, 103 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे और अब की बार माइनस 6 करेंगे। तो 103 में हमने मल्टीप्लाई 2 की और माइनस 6 कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आई थिंक 200 हो जाएगा, हाँ 200 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 103 और 200 आपका आ जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपकी सातवीं संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो सातवीं संख्या यहाँ पे ये वाली आएगी लास्ट वाली, तो 200 इज द राइट आंसर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 200 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ट्राई करके देखिए 6 का राइट आंसर कितने बच्चे सही कर पाते हैं। यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, देखिए जब भी मैं बोलता हूँ ना कि ट्राई करके देखिए, तो आप वीडियो को स्टॉप कर दिया करें, रोक लिया करें और उसको ट्राई कर लिया करें, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बताता रहता हूँ, फिर आपको आंसर पता चल ही जाएगा अगर पैटर्न में बता दिया, ठीक है। तो एक्स जेड वाई इस तरीके से आपकी ये सीरीज है, तो आप ये बताइए मुझे एक्स और जेड में कितने का डिफरेंस है, प्लस 2 का डिफरेंस है, यानी कि प्लस 2 किया गया होगा, ठीक है। जेड और वाई में 1 का डिफरेंस है, यानी कि माइनस 1 किया गया होगा, तो प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका वाई और यू में 4 का डिफरेंस है, और वो भी माइनस का, तो यहाँ पे माइनस 4 किया गया होगा, तो प्लस 2 माइनस 1 माइनस 4। फिर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, फिर प्लस 2 का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को, और फिर माइनस 1 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वी और आर में आपका फिर माइनस 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो एक सीरीज मेरे को नज़र आ गई, प्लस 2 माइनस 1 और माइनस 4, ये वाली सीरीज यहाँ पे चल रही है। यानी कि पहले प्लस 2 होता है, फिर माइनस 1 होता है, फिर माइनस 4 होता है।
ये आपको कब पता चलेगा, जब आप इन अल्फाबेट के नंबर्स याद कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट यू वाली सीरीज, जब हमने पता चल गया कि इसमें प्लस टू किया गया, इसमें माइनस वन किया गया, इसमें माइनस फोर किया गया, फिर नेक्स्ट आपका आर से प्लस टू किया गया, माइनस वन किया गया और एस से माइनस फोर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ओ आएगा, ओ में फिर प्लस टू कर देंगे हम। ठीक है, तो प्लस टू करेंगे तो क्यू आ जाएगा और फिर माइनस वन कर देंगे तो पी आ जाएगा, तो ओ क्यू पी आपका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए ओ ओ क्यू पी, ठीक है, तो ओ क्यू पी तो यहाँ पे राइट आंसर आपको नहीं दिख रहा है, ओ पी क्यू, सॉरी ये ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ओ क्यू पी हमारा आया था ओ क्यू और पी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, प्लस टू माइनस वन और माइनस फोर, प्लस टू माइनस वन प्लस फोर, प्लस टू माइनस वन प्लस सॉरी माइनस फोर, इस तरीके से आप करके देखिएगा तो आपका यही आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर ये सेवन है आई थिंक, सातवां नंबर, सातवें का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से देखिए, बहुत ही सिंपल सी आसान सी ट्रिक है, यहाँ पे आपको दो ये बताने हैं नेक्स्ट क्या आएंगे। तो देखिए बी और डी के बीच में डिफरेंस कितने का है, टू का है। ठीक है, डी और जी के बीच में डिफरेंस कितने का है, थ्री का है। ठीक है, फिर फोर का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को, फिर फाइव का डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि एक एक डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, टू थ्री फोर फाइव। तो नेक्स्ट आपका पी में प्लस सिक्स कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वी हो जाएगा, वी में प्लस सेवन कर देंगे तो सी हो जाएगा, तो वी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आप समझ रहे होंगे ना सीरीज, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में जरूर आपको मिलेगी इस तरीके की सारी सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं, एट का राइट आंसर क्या है जल्दी से ट्राई करिए, ए सी एफ एच के एम, नेक्स्ट आपको बताना है दो पेयर क्या आएंगे। तो यहाँ पे भी जैसे ऊपर आप करके आए हैं प्लस ही चल रहा है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा देखें क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये मेरे को सीरीज दिख रही है, ए के बाद सी एफ एच के एम, यानी कि एक ही सीरीज में चल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ, यहाँ पे तो प्लस टू का दिख रहा है, बट यहाँ पे सी और एफ के बीच में प्लस थ्री का दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस टू प्लस थ्री, फिर मुझे प्लस टू का दिख रहा है, तो प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू, तो के में हमने प्लस टू किया तो कितना आ गया एम। अब आपने प्लस टू कर दिया तो अब की बार नेक्स्ट रन किसके, थ्री की, तो प्लस थ्री करेंगे तो आपका पी आ जाएगा, एम में आपने प्लस थ्री किया तो पी, और पी में प्लस टू करेंगे तो सी, तो आपका सॉरी आर आ जाएगा ना, सी नहीं आएगा, आर आएगा, तो पी आर इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पी आर इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर नाइन को देखिए ट्राई करके, नाइन में क्या आएगा, तो नाइन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए एक बार ट्राई करके। तो आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन को भी ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है देखिए, जेड ए सी एक्स डब्ल्यू डी यू एफ, और नेक्स्ट आपको बताना है कि चार का पेयर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जब चार का पेयर पूछा जा रहा है नेक्स्ट कौन सा होगा, तो इसको चार चार के पेयर में हम तोड़ लेते हैं, और चार के पेयर का लॉजिक क्या है इसमें वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें मुझे पता चलता है कि जेड आपका 26 नंबर पे आता है, ए आपका पहले नंबर पे आता है, ठीक है ना भाई, फिर आपका ये हो गया सी तीसरे नंबर पे आता है, और एक्स आपका 24 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे मैंने 26, 1 और 3 और 24 को प्लस किया, तो यहाँ पे मेरा बन गया ये कितना 54, और यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है, इन सभी का प्लस 54 आता है। ठीक है, तो आपको एक चार ऑप्शन में से ऐसा देखना होगा, देखिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं, W यहाँ पे आपका आता है 23 पे, ठीक है, D आपका आता है 4 पे, U आता है आपका 21 पे, और F आता है आपका 6 नंबर पे। 23, 4 और 21 और 6 को प्लस करिए, यहाँ पे 54 आएगा। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन चेक करना है कि जिसका सम 54 हो। ठीक है, तो हम अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पे आपका जो T है वो आता है 20 नंबर पे, ठीक है, जी आता है आपका सातवें नंबर पे, ठीक है भाई, और ये आई आता है आपका नौवें नंबर पे, और आर आता है आपका अट्ठारहवें नंबर पे। 20 + 7 + 9 + 18 इनको सभी को प्लस करिए, तो यहाँ पे आपका 54 ही समा रहा है। तो इसका मतलब ये आपका ए ऑप्शन ही राइट हो गया, बाकी के ऑप्शन आपका ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे, क्योंकि ए की ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जिसका सम 54 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करिए, और क्या इसका राइट आंसर रहेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपने ट्राई करके देख लिया होगा, इसमें क्या चल रहा है कि माइनस टू चल रहा है, देखिए दो पीछे गया इसका मतलब माइनस टू हो गया, यहाँ पे फिर आगे जा रहा है प्लस में, तो फिर प्लस, देखिए डिफरेंस कितना का थ्री का, तो प्लस सॉरी माइनस टू प्लस थ्री,
ठीक है ना। फिर डी से जी के बीच में डिफरेंस भी 3 का है बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि प्लस 3। तो यहाँ पे माइनस 2, प्लस 3 और प्लस 3, फिर डिफरेंस इन डिक्रीज हो रहा है और वो भी माइनस 2 है। यानी कि अब मैं समझ गया इसमें सीरीज क्या चल रही है, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 3 फिर माइनस 2, ठीक है। एक बार माइनस 2 आने के बाद में दो बार प्लस 3 है भाई। तो ई से एच में फिर प्लस 3 और एच से के में फिर प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे फिर दोबारा से आपका आ जाएगा के से आई में माइनस 2, आई से एल में फिर प्लस 3 और एल से मैं प्लस 3 करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा, ठीक है। और ओ में फिर मैं माइनस 2 करूँगा क्योंकि यहाँ पे दो बार प्लस 3 हो चुका है, तो फिर क्या आ जाएगा, ओ से दो बैक चलिए तो एम आ जाएगा, और एम में फिर प्लस 3 करूँगा तो पी आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन ही पूछा गया कि नेक्स्ट 3 कौन से होंगे, तो ओ एम पी, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, ठीक है भाई। तो ए इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे डायरेक्शन का। इसमें बोला जा रहा है दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। मान लीजिए यहाँ से दो व्यक्ति यहाँ पे खड़े थे और विपरीत दिशा में इस तरीके से उन्होंने चलना आरंभ करते हैं। दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चलते हैं, उसमें यानी कि ये भी 15 किलोमीटर चलेगा, ये भी 15 चलेगा। उनमें से एक अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, जबकि दूसरा अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नीचे प्रोवाइड करा देता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करें, क्योंकि एक बार वीडियो को देख लो फिर उसके बाद में पीडीएफ को देख लो। बस वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चल जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया ए से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से दोनों ने 15 किलोमीटर चला। फिर दोनों ने अपने दाएं और बाएं मुड़ने के बाद में इस तरीके से 15 किलोमीटर फिर चला, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अब वो कितनी दूरी पर हैं एक दूसरे से। देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। तो अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी दूर हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 15 किलोमीटर चलें तो 15 डिफरेंस आप बता देंगे, ऑप्शन में भी दिया होगा, बट यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 15 ये चला है और 15 ये चला है, तो टोटल डिफरेंस आपका कितना होगा 30 किलोमीटर का। तो 30 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दे रखा है ना 15 किलोमीटर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी करके 15 किलोमीटर भी लगा सकते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँ, कुछ हो जाता है, कई बार पता होते हुए भी गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा, 15 किलोमीटर नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन आसान था बट थोड़ा सा मतलब एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट से डाल देते ना कि 15 किलोमीटर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो ये वाला पॉइंट था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में था इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और इसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।